हेलो एवरीवन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पूरा पढ़ चुके हैं, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, क्लास 12 चैप्टर नंबर 3। आज की वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करें। ओके, इसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोर्ड के एग्जाम में आता है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि कैसे इसका डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। तो बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको सिखाने वाली हूँ कैसे इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलो देखो बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, हमें सबसे पहले यहाँ बनाना है एक यूरेटर, ओ सॉरी यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है? ओके, तो ये स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर। अब क्या करना है, ऐसे स्ट्रक्चर सिंपल सा यूरिनरी ब्लैडर बना के स्केल से एक सीधी लाइन कर लो इसके बीच में से। ठीक है, आप अपना स्केल लेके बैठेंगे, मेरे पास स्केल नहीं है तो सीधी लाइन नहीं हो पाएगी, बट कोशिश करती हूं मैं। तो ये एकदम सीधी लाइन आपको यूरेटर से निकालनी है और सेम ऐसी ही लाइन आपको इसके बगल से बराबर निकालनी है। ठीक है, आप स्केल से बनाएंगे तो ये आपकी बिल्कुल सीधी बनेगी। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहां इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा से फूला हुआ। उसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर ऐसे और ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे और ऐसे करने के बाद, यानी कि इसको थोड़ा सा आपको चौड़ा करके और फिर आपको ये ऐसे करके सीध में ले जाना है, बिल्कुल सीधा सीधा। राइट बच्चों, इतना क्लियर है? इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है कि इसका थोड़ा हाफ ले लो। ठीक है, स्केल से आप इसमें टिक करके और हाफ से बिल्कुल इतने में आप यहां पर टेस्टीज बना दीजिए। ठीक है, सेम आपको यहां करना है। ठीक है, पूरा नीचे से नहीं स्टार्ट करना, ध्यान रखना ये जो आपने पेनिस बनाया है, ठीक है, इसका आप हाफ ले लो और वहां से फिर आप टेस्टीज इस तरह से ऊपर की तरफ बनाओगे। ओके, उसके बाद आपको इन टेस्टीज के चारों तरफ हल्की सी ऐसी लाइनिंग करनी है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, यहां से यूरिनरी ब्लैडर से दो ऐसे स्ट्रक्चर निकालने हैं जिनको कि हम यूरेटर बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ओके, सो अब आपको क्या करना है बच्चों, इसके बीचों बीच से ऐसे करके, ये आपने अभी जो टेस्टीज बनाई है इसके बीचों बीच से ऐसे करके लाइन करनी है। ओके, सेम ऐसी लाइन इस तरफ करोगे, ये सब काम आप स्केल से करोगे, आराम से हो जाएगा। सेम ऐसी लाइन जैसा इस तरफ बनाना है वैसा ही आपको इस तरफ बनाना है, तो सेम ऐसी ही लाइन आप यहां करोगे। ठीक है, इतनी ही रखना लाइन, इससे ज्यादा नहीं। ओके, अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन मार्क बनाना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर इसको थोड़ा मैं और बड़ा करूं। हाँ, अब आपको क्या करना है बच्चों, एक क्वेश्चन मार्क बनाना है। ठीक है, तो मैं यहां से क्वेश्चन मार्क बनाना शुरू कर रही हूं। ये बन गया हमारा क्वेश्चन मार्क और उसको इस लाइन से जोड़ दो आप। ठीक है, इसको डबल लेयर एक और लाइन करो इसके ऊपर, लाइन बराबर होनी चाहिए, कॉपी पेंसिल पर लाइन, कॉपी पर लाइन बराबर आ जाती है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ऐसा ही सेम क्वेश्चन मार्क आपको इस तरफ बनाना है। और उसको भी दो लाइन करनी है आपको। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? मुझे जो ऐसा लग रहा है कि मेरा इस तरफ का डायग्राम थोड़ा सा इधर ऐसे हो गया, इस तरफ का ऐसे हो गया। जब आप स्केल लेके बैठोगे ना, तो आप पहले ही इसमें टिक कर लेना स्केल से कि अगर यहां मुझे इतनी लेंथ रखनी है तो यहां भी मुझे इतनी रखनी है, तो वहां आपका एकदम बराबर बनेगा। फिर भी बोर्ड एग्जाम में अगर आपका बराबर नहीं बनता तो इस चीज पर कभी मार्क्स नहीं कटते। आपके सारे पार्ट्स इसमें मेंशन होने चाहिए, उसके नाम इसमें मेंशन होने चाहिए, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, बट फिर भी अट्रैक्टिव लगता है अगर आप बराबर का बना बनाओ। एक एग्जामिनर बोल रही, कॉपी चेक जो करता है उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, इसलिए अच्छा सा बनाओ डायग्राम। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहां पर आपको एक उल्टा एस बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है आपको? उल्टा एस इस तरह से। राइट बच्चों, हल्का सा एस आना चाहिए इसमें और सेम आपको इसके नीचे एक और लाइन करनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहां पर ये वाली लाइन जो है बीच में यूरेटर की, इसे हटा देना। ठीक,
क्लियर? ऐसा यहां पर सेम ऐसा आपको इस तरफ बनाना है, ठीक है? तो ये आपको इस तरफ भी बनाना है और इसको बिल्कुल यहीं पर ज्वाइन करना है जहां पर आपने इसको ज्वाइन किया है, राइट? और इसकी भी बीच में ये साफ कर देना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है ना? ओके, अब हमें क्या करना है, यहां पर एक ऐसा छोटा सा एक स्ट्रक्चर बना दो। क्लियर? अब हमें क्या करना है, यहां पर एक और ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है और सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर हमें यहां बनाना है। बात ही बातों में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कब पूरा हो गया आपको पता भी नहीं चला, ठीक है? जॉइंट सारे हटा देना बच्चों, ये जो जॉइंट्स होते हैं इन सबको सारे सबको हटा देना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, अभी और पार्ट्स आने वाले हैं। रुको 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 भाई, अब आपको क्या करना है, यहां पर इसके चारों तरफ एक लेयर ऐसे करके बना के और उसको ऐसे कर देना, राइट? बहुत जरूरी है ये बनाना, भूलना मत इसे बनाना। ऐसे करके ऐसे कर देना, राइट? ओके, यहां पर आपको एक छोटी सी दो ग्लैंड और बनानी है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है? अब देखिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इतना तो आपको बनाना ही है, और इसको मैं मेंशन कर देती हूँ, इसका नाम लिख देती हूँ सबके। देखो बच्चों, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बट अभी इसमें और पार्ट्स हैं, बट अभी मैंने जितना बनाया अभी मैं उसको मेंशन करती हूँ, कोई नाम इसमें रहेगा नहीं आपका, ठीक है? फुल मार्क्स मिलने वाले हैं अगर आपने इस तरह से ड्रॉ किया तो। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेन पार्ट है वो है टेस्टिस, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कहां से मेंशन करते हैं, चलिए यहीं से नाम लिखना शुरू करते हैं। तो ये है हमारा टेस्टीज, ठीक है? दो टेस्टीज है, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं टेस्टीज। ओके बच्चों, टेस्टीज जो है इसके ऊपर की तरफ ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना लगा हुआ है जो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं इसे हम? एपिडिडाइमिस। जब आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सप्लेन करूंगी इन सबके फंक्शन आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? अभी डायग्राम ड्रॉ करना सीखो, वो भी एक बहुत बड़ा काम है। ओके, तो चलिए अब ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो पतली सी क्वेश्चन मार्क जिसे बना के हमने बनाया था, इसका नाम है वाज डिफरेंस। क्या नाम है इसका? वाज डिफरेंस। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके? आपको दिखाई दे रहा है? ओके, चलिए तो नेक्स्ट है यहां पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये गोल गोल सा, मैंने बोला ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये जो टेस्टीज जिसमें रखी हुई है, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस गोल गोल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्क्रोटम, SCROTUM, स्क्रोटम। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? ओके, तो ये स्क्रोटम में टेस्टीज रखी हुई है, ठीक है? ये स्क्रोटम में टेस्टीज रखी हुई है। स्क्रोटम में क्यों रखी हुई है, इस पर भी क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, जब एक्सप्लेन करेंगे जब सब कुछ बताएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतना हमारा पूरा हो गया। अब यहाँ आ जाइए, देखो ये जो नली जा रही है ना, ये नली एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है? ये यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है? इसको हम यूरेटर बोलते हैं, URETER, बट आपको यहाँ लिखना पड़ेगा इसको यूरेटर, कट रहा है, चलो मैं इधर कर देती हूँ, आपको कैसे दिखाएं इसे, चलो यहाँ कर देते हैं, URETER, ठीक है? ये जो ये देखिए यूरेटर क्या है, देखिए समझिए, ये जो गोल गोल बनना है ना, ये इससे एक मैंने दो ट्यूब निकाली थी ना, एक ऐसी और एक ऐसी, ये जो दो ट्यूब निकाली है मैंने, ठीक है, ये वाली, इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा देती हूँ, चलो आपको क्लियर समझ में तो भी आ जाएगा, इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा देती हूँ। ये जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाई हुई है ना, इट इज कॉल्ड यूरेटर। समझ में आ रहा है बच्चों? ये जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाई हुई है ना, ये है यूरेटर। एक्चुअली मैं यूरेटर किडनी से ब्लड लेकर किडनी से लेकर आती हैं, यूरिन बनाने में हेल्प करती हैं, मतलब यूरिन लेकर आती हैं,
और यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में वो यूरिन स्टोर हो जाता है। इसका क्या नाम है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में वो जो यूरिन है वो स्टोर हो जाता है। यहाँ यूरिनरी ब्लैडर को भी मैं अलग से लिख देती हूँ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों? हाँ, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर है, ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, बट इसको हम दिखाते हैं क्योंकि हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाकी के पार्ट्स जो हैं वो सारे के सारे इसी से लटके हुए हैं, तो इसको आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है, यूरेटर को और यूरिनरी ब्लैडर को, जो कि किडनी से यूरिन लेकर आती है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़े हम, चलिए तो आगे इसमें और कौन कौन से पार्ट है। ये जो है ये पूरा का पूरा तो देखो आपको समझ में आ ही रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं जरा रेड कलर से दिखा देती हूँ, चलिए ऐसे देख लीजिए। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, ये सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड है ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। एक और ग्लैंड याद करो इसमें, ये जो आपको ग्लैंड दिखाई दे रही है ये, इसको रेड कलर से दिखाई देती हूँ। एक और आपको जो ग्लैंड दिखाई दे रही है ना, ये रेड 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 जो मैंने किया है इसको, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। कितनी ग्लैंड बता दी मैंने? सेमिनल वेसिकल हो गई, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, एक और ग्लैंड लिख लो यहाँ पर, ये है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इसका एक नाम और है, ठीक है, इसका एक नाम और है। देखिए मैंने ये जो अंदर नाम लिखे हैं ना, आपको एक बार सुन लो मेरी बात कि देखो जब ये जो मैंने अंदर नाम लिखे ना, इसका भी अंदर लिख दिया मैंने इस तरह से, आपको एग्जाम में नहीं, आपको एग्जाम में सारे के सारे जो नेम है वो आपको इस साइड इधर की तरफ आपको अपने राइट साइड वो सारे के सारे नेम लिखने हैं, ओके। बट मैंने इसको सारा का सारा अंदर सिर्फ सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, ताकि आपको एकदम पास डायग्राम के नेम समझ में आ जाए। आपको सारे नाम लिखने हैं अपने राइट साइड, और वो भी डायग्राम से हटके, मुझे तो जहां जगह दिख रही है मैं वहां लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये आपको जो नली दिखाई दे रही है ये वाली, ये जो आपको नली दिखाई दे रही है ये वाली, जिसे मैं ग्रीन कलर से फिल्ड कर रही हूं, इसका नाम है यूरिथ्रा, ठीक है। इसका क्या नाम है? यूरिथ्रा, जिसमें यूरिन भी फ्लो होता है और जिसमें स्पर्म भी फ्लो होता है, ठीक है, बट एक ही टाइम पर दोनों चीजें नहीं फ्लो होती, बट इसमें यूरिन और स्पर्म दोनों होते हैं, इसको बोलते हैं हम यूरिथ्रा, ओके। आगे आते हैं इसमें, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जैसे मैं रेड कलर से कर रही हूं, ये स्ट्रक्चर है पेनिस, दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? यस, ये स्ट्रक्चर है पेनिस। इस स्ट्रक्चर में ये जो आपको आगे की तरफ थोड़ा चौड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं इसे हम? दिखाई दे रहा है, ओके, इसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ओके बच्चों। अच्छा, अब इस पेनिस के इधर की तरफ एक लेयर होती है, उसको दिखाना ना भूले, ठीक है। कई सारे धर्मों में इस लेयर को छोटे बच्चों में काट भी देते हैं, ओके। इस लेयर को हम बोलते हैं फॉर स्किन, क्या बोलते हैं इसे हम? फॉर स्किन। पेनिस के इस तरफ से आगे वाली जो मैंने ग्रीन कलर से लेयर दिखाई है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फॉर स्किन, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई, ये तो मैंने बता दिया था आपको, चलो स्क्रॉटम है, कुछ रह गया और कुछ रह गया, सेमिनल वेसिकल हो गया, ओके। अब देखिए कुछ, ये इतना पोर्शन मैंने आपको दिखा दिया, नाम मैंने, मुझे जहां जगह मिली है मैंने वहां नाम लिखे हैं, बट आपको सारे के सारे नाम अपने राइट साइड पर लिख रहे हैं, ओके। अब आपको देखो कुछ कुछ नाम इसमें मैं और शो करूंगी, जो कि आपको इस तरह से तो दिखाई देंगे नहीं, वो आपको किस तरह से दिखाई देंगे? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई बोतल नहीं है, आपके पास सपोज दैट कोई टोमेटो है,
वो जो टोमेटो है उसको अगर आप सोचो उसके मुझे बाहर से ही बीज दिख जाए, उसकी मुझे सारी लेयर दिख जाए, तो वो नहीं दिखेंगी ना। आप एक चाकू लो और उस टोमेटो को इस तरह से काटो। आप जब उसे काटोगे, उसके दो पीस करोगे, तब आपको उसके अंदर के सीड भी दिखेंगे, लेयर्स भी दिखेंगी, सब कुछ दिखेंगी। तो हमने टेस्टीज को अभी पूरा कवर करके दिखा रखा है, बट अगर हम ये जो टेस्टीज है अगर हम इसे काटें तो आपको और कई सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, क्योंकि मेन पार्ट तो टेस्टीज ही है ना। तो सोचो इसमें कितने सारे स्ट्रक्चर्स होंगे, जब बाहर ही इतने सारे स्ट्रक्चर है, तो जो मेन पार्ट है जहां स्पर्म बनते हैं, उसमें कितने सारे स्ट्रक्चर्स होंगे। तो इसको अगर हम काटें तो आपको अंदर की टेस्टीज का अंदर का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और वो अंदर के स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से नाम है ये भी आपको यहाँ मेंशन करने हैं, जब आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ करो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ करने के लिए आए तो आपको एक तरफ की टेस्टीज तो मत काट कर दिखाना, बट एक तरफ की टेस्टीज को आपको काट कर और उसके सारे पार्ट दिखाने हैं। आपकी एनसीईआरटी में भी बिल्कुल ऐसे ही दे रखा है, एक तरफ की पूरी दे रखी है, ऊपर के पार्ट दिखाए हैं और एक तरफ में पूरी अंदर की लेयर दिखाई है। तो उसको हम कैसे करेंगे कि आप क्या करो बच्चों, इसको इस तरह से साफ कर दो, ठीक है। और यहां पर वही सेम जैसा आपने अपना वो गोला इसमें बनाया था उसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ कंपार्टमेंट बना दो, कुछ पार्टीशन कर दो इसमें। ये पार्टीशन वैसे तो 250 होते हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं, बट यहाँ आपको 250 बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से 7-8 जितने बन सकते हैं आपके उतने पार्टीशन इसमें बना दो, ठीक है। इन पार्टीशन को हम क्या बोलते हैं, मैं साथ के साथ इसमें नेमिंग करती जा रही हूँ। इन पार्टीशन को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, राइट बच्चों। अब क्या करना है आपको, इन पार्टीशंस के अंदर की तरफ आपको कुछ छोटी छोटी सी ट्यूब्यूल्स बनानी है, ओके बच्चों। इन ट्यूब्यूल्स जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई है इनको बोलते हैं सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको, सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स, मिनी फेरस ट्यूब्यूल्स, ओके बच्चों। अब हमें क्या करना है, मेरे पास कोई और कलर नहीं है, चलिए इसी कलर से मैं देखती हूँ। इसके बाद हर एक सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल के एंड को आप लो और उस सारे एंड को आपको जोड़ के एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बनाना है। हर एक सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल के एंड को आपको लेकर और उन सबको जोड़ के एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बना लेना। इस नेट जैसे स्ट्रक्चर को, अब देखिए इधर स्पेस नहीं है नाम लिखने के लिए, तो मुझे इधर स्पेस लिखना पड़ेगा, बट आप अपनी कॉपी में एक तरफ सारे नेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेट टेस्टिस या रेटी टेस्टिस, ठीक है। एक नेट लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं रेट टेस्टिस या रेटी टेस्टिस, ठीक है। कोशिश करना इसको इस तरफ ना बना के ऐसे इस तरफ ही बना दिया जाए, ओके। इसको बोलते हैं रेट टेस्टिस। अब क्या होगा, इन रेट टेस्टिस से फिर वही जो कुछ छोटी छोटी सी नलियां निकलेंगी, और इन छोटी सी छोटी छोटी नली देखिए आ वही रहा है, समझो आप, ये जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यही इस तरह से निकल निकल के आ रही है। तो इन रेट टेस्टिस से इस तरह से छोटी छोटी सी नलियां निकलेंगी, और इन छोटी छोटी सी नलियों को हम बोलते हैं वासा इफरेंशिया। क्या बोलते हैं हम छोटी छोटी नलियों को, वासा एफरेंशिया, बट मैं बनाऊं कहाँ, कहाँ लिखूं, वासा एफरेंशिया स्पेस नहीं है मेरे पास। चलिए मैं यहां लिख देती हूँ, आपको दिखाई दे रहा है या कहीं और लिखें, यहां लिख देते हैं, ओके बच्चों। वासा एफरेंशिया, अरे बाबा क्या गड़बड़ हो रहा है मुझसे, ये EEERENTIA, वासा इफरेंशिया, ओके। देखिए समझ में आ रहा है आपको, देखो मैं दोबारा बता रही हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये तो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। और ये जो रेड रेड मैंने पार्टीशन बनाए हैं ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक
ठीक है। अब ये जो नेट जैसा स्ट्रक्चर है, गुड़ 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 मुड़ी गुड़ मुड़ी सी हो रही है, नेट जैसा स्ट्रक्चर ये है रेटी टेस्टिस, ठीक है। इन रेट टेस्टिस से फिर ट्यूब्स निकल रही हैं, वही वाली ट्यूब्स हैं ये जो बनकर आ रही हैं, ये वाली ट्यूब्स निकल रही हैं, इनको हम बोलते हैं वासा एफरेंशिया, ठीक है। अब ये सारी की सारी जो ट्यूब निकल कर आ रही हैं इससे, ये सारी की सारी ट्यूब फिर से कॉइल्ड हो जाएंगी, जबरदस्त तरीके से कॉइल्ड हो जाएंगी, बहुत जबरदस्त तरीके से, और एक स्ट्रक्चर बना लेंगी, ठीक है। ये सारी की सारी जबरदस्त तरीके से कॉइल्ड होके एक स्ट्रक्चर बना लेंगी, ओके। और ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है रेड कलर से जैसे मैंने दिखाया है, इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस, जिसको मैंने यहाँ पर सिंपली शो किया था, जिसको मैंने सिंपली शो किया था, बट वो अंदर से इतना कॉइल्ड होता है जितना मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको, एपी डी डाइमिस, ओके। तो बच्चों ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है मैंने टेस्टिस के बाहर से भी दिखा दिया आपको, टेस्टिस से अंदर से भी, दिखा दिया, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ओके। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यही सारे पार्ट्स बनाने, अगर आपने इस तरह से ड्रॉ किया डायग्राम और इतने सारे जो नेम है आपने सारे मेंशन किए, तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ओके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।